हेलो मैं पवार। इंडिया की सेफेस्ट कार अगर बजट के अंदर कोई है तो वो है XUV300। टाटा की गाड़ियों से ज्यादा सिक्योर इसको माना जाता है क्योंकि 5 स्टार इसको मिले थे एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए, 4 स्टार इसने गेन किए थे अपने चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी के लिए। वहीं अगर हम बात करते हैं महिंद्रा की दूसरी गाड़ियों की जैसे स्कॉर्पियो या बोलेरो, तो उनकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर अक्सर सवाल उठते रहते हैं और ग्लोबल एंड कैप के द्वारा स्कॉर्पियो में पाया गया था कि 0 उसकी सेफ्टी है। वहीं सेम हाल बोलेरो का है, बोलेरो की भी कोई खास बिल्ड क्वालिटी वगैरह या सेफ्टी के हिसाब से उस गाड़ी को इतना बढ़िया नहीं माना जाता। लेकिन आज इस वीडियो में जो हम क्रैश देखने वाले हैं वो बिल्ड क्वालिटी से ज्यादा एक बंदे की किस्मत कितनी जबरदस्त हो सकती है उसके ऊपर है। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, आप भी चौंक जाएंगे इस एक्सीडेंट को देख के कि किस तरीके से एक महिंद्रा बोलेरो जेसीबी से टक्कर लेती है और बंदे को सेफ बचा लेती है। यहाँ पे आप देखेंगे दूसरी साइड से एक जेसीबी आ रही होती है, अनदर साइड से एक बोलेरो जा रही है और जेसीबी का बैलेंस बिगड़ा हुआ है और रॉन्ग साइड पे बंदे ने पार्क करी हुई है अपनी मोटरसाइकिल, और जैसे ही जेसीबी हिट करने को होती है बंदे को, यहाँ पे सारा इंपैक्ट ले लेती है बोलेरो और किस तरीके से बंदे को बचा लेती है ये आप देखेंगे अब स्लो मोशन में। अगर हम इसी चीज को थोड़ा रिवर्स में देखें तो आप बेहतर तरीके से इसको और समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे सिचुएशन क्या हुई है। तो जेसीबी की स्पीड होती है थोड़ी सी हाई, जैसे अगर थोड़ा भी स्टेयरिंग उसका मोड़ देते हैं तो बॉडी रोल उसमें आ जाता है, जिस वजह से वो डिसबैलेंस हो जाती है। बोलेरो ने यहाँ पे अच्छी खासी ब्रेक भी ली है अब यहाँ पे देखेंगे, और बंदे को पहले पता चल जाता है जो बाइकर है कि इसकी तरफ ये जेसीबी आ रही है। हटने की कोशिश भी करता है लेकिन देर हो जाती है, उससे पहले इसको बोलेरो आके गिरा देती है अपने बम्पर से और बंदा यहाँ पे गिर जाता है और बंदा सही सलामत खड़ा हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये है, तो काफ़ी अच्छी बात ये रही कि बंदे को चोट नहीं आई है। अगर आप गौर से देखेंगे तो बोलेरो की बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पे काफ़ी इंप्रेसिव है, यहाँ पे ज़्यादा नुकसान इस गाड़ी में नहीं हुआ, केवल इसका जो फ्रंट का बम्पर वगैरह है वो आपको डैमेज दिखेगा। और जो ये जेसीबी वाला था इतना कलाकार, देख सकते हैं आप, भाग भी गया, तुरंत के तुरंत भाग गया जेसीबी लेके, रुका भी नहीं देखने के लिए कि आखिरकार हुआ क्या है। फिर बंदा खुद चेक करता है जो राइडर होता है कि कुछ हुआ तो नहीं है, और यहाँ पे गलती आप कह सकते हैं जेसीबी वाले की तो थी ही, प्लस ये बाइकर भी गलत डायरेक्शन में इसने भी अपनी बाइक खड़ी कर रखी थी, बाकी मिनी सेकंड में ही बंदे की जान बच गई। वरना अगर बोलेरो ना होती तो अगले जो खोचा टाइप होता है उसका जेसीबी का, वही अगर इसमें लग जाता तो वही बंदा खत्म हो सकता था।